बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास टेंथ फिज़िक्स चैप्टर टेंथ के हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। पांच न्यूमेरिकल हमने पिछले आर्टिकल में किए थे और आज हमने छठा न्यूमेरिकल करना है 10.6 गिवन डाटा। देखेंगे क्या क्या दिया हुआ हमें। सबसे पहला छठा न्यूमेरिकल है, अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इन टू द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज़ अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज। द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव। वेव की स्पीड हमने फाइंड करनी है। यानी रिपल टैंक में हमारे पास, रिपल टैंक हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्शन में, उसमें एक वुडन ब्लॉक लगा हुआ है। ब्लॉक पे जब वाटर वाइब्रेट करते हैं तो ब्लॉक जो होता है वो पानी के साथ वाइब्रेट करता है जिससे वेव पैदा होती हैं। अब उसी पे वो बात कर रहा है कि रिपल टैंक हैज़ अ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। सबसे पहले गिवन डाटा में सबसे पहली चीज़ क्या दी हुई है हमें, फ्रीक्वेंसी, और वो कितनी है 12 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी के बाद हमें और दिया हुआ है जी दी रिजल्टिंग वेवलेंथ। वेवलेंथ दी हुई है 3 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव। स्पीड मतलब हमने वेलोसिटी जो है वो फाइंड करनी है। बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल था। फ्रीक्वेंसी दी हुई है, वेवलेंथ दी हुई है और वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो हमने फ्रीक्वेंसी रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी और वेवलेंथ हमें पता है। वेलोसिटी बराबर होती है वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। अब वेलोसिटी अगर हम देखें, वेवलेंथ भी दी हुई है और फ्रीक्वेंसी भी, लेकिन वेवलेंथ हमें दी किस में हुई है, सेंटीमीटर में, और बेस यूनिट क्या है इसका, मीटर। तो इसको किस पे डिवाइड कर लेंगे हम लोग, 100 पे। तो 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 0.3 मीटर। वेलोसिटी वेवलेंथ है हमारे पास 0.3 और फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, 12। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 को, तो हमारे पास ये आ जाएगी ऑलमोस्ट, कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं, 0.03। यहाँ पे जो हमने इसको डिवाइड किया 0.,, तो वेलोसिटी है 0.36 मीटर पर सेकंड। किसी भी चीज़ का अगर बेस यूनिट नहीं दिया तो सबसे पहले उसका बेस यूनिट दिया जाएगा। जैसे वेवलेंथ सेंटीमीटर में जिसको तो चेंज किया मीटर के अंदर, वेलोसिटी फाइंड करनी थी, बिल्कुल सिंपल फार्मूला, वेलोसिटी बराबर है वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ 0.03 मीटर मल्टीप्लाई 12 फ्रीक्वेंसी थी, तो वेलोसिटी जो है वो 0.3 मीटर पर सेकेंड। 10.7 क्या क्या दिया हुआ देख लेते हैं। गिवन डाटा क्या है हमारे पास, गिवन डाटा, अ ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज एंड ट्रेवल अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर इन 0.5 सेकंड। अब हमने ट्रांसफर वेव पैदा की है स्प्रिंग के साथ जिसकी फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज है, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग दी हुई है हमें 90 मीटर और टाइम दिया हुआ 0.5 सेकंड। क्या क्या गिवन है हमें, सबसे पहले इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 190 हर्ट्ज, और हमें दी हुई है इसकी लेंथ, लंबाई दी हुई है वो है जी 90 मीटर, टाइम दिया हुआ है स्मॉल टी में वो है जी 0.5 सेकंड। व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वेव, टाइम पीरियड फाइंड करना है हमने। नंबर टू, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव, स्पीड की वेव फाइंड करनी है। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द वेव और वेवलेंथ फाइंड करनी है। टाइम पीरियड, ये टाइम जो है वो और है, और टाइम पीरियड हमें पता है, इसको हम आमतौर पर कैपिटल टी से ज़ाहर करते हैं। उसके साथ है जी व्हाट इज़ स्पीड, स्पीड
मतलब इसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी फाइंड करनी है, और वेवलेंथ, वेवलेंथ को हम लैम्डा से ज़ाहर करते हैं। हमने तीन चीज़ें यहाँ पे फाइंड करनी है, टाइम पीरियड ग्रेटर टी, स्पीड और वेवलेंथ हमने फाइंड करनी है। अगर हम सिंपल देखें तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है तो टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड जो है वो अमूमन हमें पता रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का। अगर हम देखें तो टाइम पीरियड रेसिप्रोकल है फ्रीक्वेंसी का, तो हमने ठीक है टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, तो 1/190, तो 1 को डिवाइड कर लें 190 पे, 1/190, तो ये आ गया 0.005 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे 5 है तो हम इसको राउंड वैल्यू भी कर सकते हैं, तो हम इसको 0.01 सेकेंड, अब ये भी लिखेंगे तो गलत नहीं, 0.05 सेकेंड लिख लें या 0.0 राउंड करके 0.01 सेकेंड लिख लेंगे तो इसमें कोई भी गलत नहीं होगा। फिर उसके बाद हमारे पास आ गई है जी वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, तो वेलोसिटी का हमारे पास बिल्कुल सिंपल, अगर हम देखें तो वेलोसिटी बराबर है लैम्डा मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। अब हमें वेवलेंथ भी यहाँ पे हमने फाइंड करनी है, वेवलेंथ हमें दी हुई नहीं है, अगर वेवलेंथ नहीं दी हुई तो हमारे पास वेलोसिटी का एक और फार्मूला अगर हम देखें तो वो है वेलोसिटी बराबर है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब जितनी लेंथ है उसकी, तो लेंथ जो है वो किसी चीज़ की, वो किसी भी डिस्टेंस को ज़ाहर करती है, कि एक चीज़ है वो 10 मीटर लंबी है, उसकी लंबाई क्या है 10 मीटर, तो वो कितना डिस्टेंस भी तय करेगी 10 मीटर ही उसका डिस्टेंस होगा। तो हमारे पास सिंपल है, डिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है 90 और टाइम हमारे पास किया कितना दिया हुआ 0.5 सेकेंड, डिवाइड कर लें तो ये हो जाएगा 180 मीटर पर सेकेंड। तो हमने वेलोसिटी भी फाइंड कर ली इसकी, और थर्ड वन हमारे पास क्या होगा जी, हमने फाइंड करनी है इसकी वेवलेंथ। यहाँ से देख लेते हैं, वेलोसिटी बराबर है वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। अब हमने क्या फाइंड करनी है, वेवलेंथ, तो वेवलेंथ यहाँ रहेगी तो फ्रीक्वेंसी द्वारा क्या हो जाएगी डिवाइड इज इक्वल टू वेवलेंथ। अब वेलोसिटी दी हुई है हमें 180 और फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है 190 हर्ट्ज, और वेवलेंथ डिवाइड कर दें जी इसको 180 डिवाइडेड बाय 190 कैलकुलेटर में चेक कर लें ज़रा, तो ये आ जाएगा 0.94 मीटर। तो ये हमारे पास इसकी वेवलेंथ भी फाइंड हो चुकी है, तो 0.95 8 है, लेकिन हमने 0.95 इसको राउंड करके तो 0.95 भी हम लोग लिख सकते हैं। इसको देख लेता दोबारा, फ्रीक्वेंसी दी हुई थी हमें, लेंथ दी हुई थी, टाइम दिया हुआ था, हमने टाइम पीरियड इन सेकंड दिया हुआ था, हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है, स्पीड वेलोसिटी फाइंड करनी थी और वेवलेंथ फाइंड करनी थी। टाइम फ्रीक्वेंसी होती है रेसिप्रोकल का टाइम का, और टाइम रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का, तो टाइम इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी 1/190, तो 0.05 सेकेंड, इसको राउंड कर दिया तो 0.01 सेकेंड। वेलोसिटी फाइंड करनी थी, सिंपल फार्मूला था वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमारे पास वेवलेंथ गिवन नहीं थी तो हमने दूसरा फार्मूला डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस दिया हुआ था लेंथ के साथ 90 डिवाइडेड बाई 0.5 180 मीटर पर सेकेंड। थर्ड हमने फाइंड करना था वेवलेंथ, सिंपल वेलोसिटी बराबर है वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यहाँ मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, तो वेलोसिटी ओवर फ्रीक्वेंसी, तो 0.94 मीटर ये हमारी वेवलेंथ आ गई। अब हमारे पास इसका 38वां न्यूमेरिकल है, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले गिवन डाटा देख लेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। वाटर वेव इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग एट 1 पॉइंट, द वाटर वेव अप एंड डाउन एट द रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशन
पर सेकेंड, वट इज़ द स्पीड ऑफ द वाटर वेव, वट इज़ द पीरियड ऑफ द वाटर वेव, टाइम पीरियड भी आप लोगों ने फाइंड करना है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये एक शैलोर वाटर है, यानी पानी की गहराई यहाँ पे बहुत कम है, रिपल टैंक में ही समझ लें। तो इसकी उस लेंथ दी हुई है हमें, तो लेंथ पे बात कर ले हैं। लेंथ है जी 0.6 सेंटीमीटर। लेंथ उसके साथ हमें दिया हुआ है रेट, डाउन एट द रेट ऑफ ऑसिलेशन, रेट ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, वो है हमारे पास 4.8। अब ज़रा देख लें यहाँ पे रेट ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, चलिए ज़रा देख लें क्या क्या फाइंड करना है हमने यहाँ पे। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव, स्पीड मतलब हमने क्या फाइंड करनी है इसकी, वेलोसिटी, और दूसरा है टाइम पीरियड, मतलब हमने टी फाइंड करना है। अब हम रेट ऑफ ऑसिलेशन और पर सेकंड, पर सेकंड मतलब रेट ऑफ ऑसिलेशन डिवाइड किस पे हो रहा है, टाइम पे। तो किसी भी चीज़ की जो एक टाइम में जितनी ऑसिलेशन होती है, किसी भी चीज़ की एक सेकंड में जितनी दफ़ा वाइब्रेशन होती है, तो ये किसकी तरह ही बनती है, फ्रिक्वेंसी की। तो इट्स मीन डैट रेट ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड मतलब फ्रिक्वेंसी को ज़ाहर करता है। तो यहाँ पे हमें मतलब क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं ये हमें फ्रिक्वेंसी दी हुई है 4.8 हर्ट्ज़। तो रेट ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड हम इसको क्या कहेंगे, ये फ्रिक्वेंसी दी हुई है। स्पीड फाइंड करनी है और टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है। तो अगर हम लोग देख लें वेलोसिटी की, देख लें क्या होता है जी। सबसे पहले स्पीड वेलोसिटी बराबर है लैम्डा वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। अब आप यहाँ पे देख लें हमें वेवलेंथ, अब यहाँ पे देख लें वेवलेंथ भी हमें ज़्यादा लेंथ की सूरत में, मतलब आ ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस आ स्प्रिंग ऑफ दी वाटर वेव इज़ अ शैलो डिस 0.6 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगर एक हमारे पास वेव है इस तरह, इसके दो कंजेक्टिव क्रिस जो होते हैं या दो कंजेक्टिव ट्रफ जो होते हैं, वो किसको ज़ाहर करते हैं, हमारे वेवलेंथ को। तो यहाँ पे लेंथ जो है वो किसको ज़ाहर कर रही है, वेवलेंथ को, और फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी को। तो ये लेंथ हमें किस में दी हुई, सेंटीमीटर में, इसको किस में तब्दील कर लेते हैं, मीटर में। तो यह 0.06 मीटर, ठीक है जी, 0.006 मीटर, सॉरी 0.006 मीटर में आ जाएगा। अब वेलोसिटी, वेवलेंथ हमें दी हुई है जी 0.006 और फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 4.8। तो वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी, 0.06 मल्टीप्लाई 4, तो ये हो जाएगी हमारे पास 0.288 मीटर पर सेकंड। राउंड वैल्यू भी लिख सकते हैं आप लोग, 0.29 मीटर पर सेकंड में लिख सकते हैं, तो कुछ भी गलत नहीं होगा। दूसरा हमने यहाँ पे टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो टाइम रेसिप्रोकल होता है किसका, फ्रीक्वेंसी का। टाइम वन, फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है कितनी है जी 4.8, तो वन डिवाइड कर ले 4.8 के ऊपर, वन डिवाइडेड बाय 4.8 0.208 सेकंड। तो अगर राउंड भी करना चाहें तो 0.21, क्योंकि ये 5 से या 5 से बड़ा हो तो वन वैल्यू अप हो जाती है, तो 0.21 सेकंड या 0.208 सेकंड हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। यहाँ पे ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर हमारा 8 था, आगे जी 10.9 वाला न्यूमेरिकल है हमारे पास, गिवन डाटा एट एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर क्रॉस अ 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूस वेव हू वेवलेंथ 40 मिलीमीटर, फाइंड द टाइम द वेव नीड टू क्रॉस अ टैंक।
वेव को टैंक को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम चाहिए। अब यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं बल्कि टाइम की बात हो रही है। अब आप देखें कि एट द एंड ऑफ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर क्रॉस। अब रिपल टैंक जो यहाँ शुरू हो के एंड तक जो उसकी लंबाई दी हुई है हमें, लेंथ दी हुई है, वो कितनी दी हुई है जी? 80 सेंटीमीटर। तो हमें लेंथ दी हुई है रिपल टैंक की 80 सेंटीमीटर। नंबर टू पे दिया हुआ हम जी 500 वाइब्रेटर फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमें 5 हर्ट्ज की। और क्या दिया हुआ हमें जी आगे? वाइब्रेटर प्रोड्यूस वेव हूज वेवलेंथ 40 मिलीमीटर। वेवलेंथ दी हुई है जी हमें 40 मिलीमीटर। आगे जी फाइंड द टाइम द वेव नीड टू क्रॉस आ टैंक। तो हमें टाइम चाहिए, ये टाइम जो है वो टाइम पीरियड नहीं है बल्कि टाइम इन सेकंड जो है वो हमने फाइंड करना है। अगर सिंपल होता फॉर एग्जाम्पल टाइम पीरियड क्या होता है? 1 ओवर फ्रिक्वेंसी रेसिप्रोकल होता, लेकिन यहाँ पे टाइम पीरियड की बात नहीं हो रही बल्कि टाइम इन सेकंड हमें कहता है कि रिपल टैंक को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम जी, तो देख लें हमें फाइंड क्या करना है टाइम। तो अगर हम देख लें तो वेलोसिटी किसके बराबर होती है? डिस्टेंस ओवर टाइम। अगर टाइम को हम यहाँ पे शिफ्ट कर लें तो ये हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। अब हमारे पास वेलोसिटी नहीं है तो हमें वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी बराबर है वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रिक्वेंसी। वेवलेंथ लेंथ भी दी हुई है हमें, फ्रीक्वेंसी जो है वेवलेंथ सॉरी दी हुई है 40 मिलीमीटर, और फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है मिलीमीटर। तो इसमें तब्दील कर लेंगे किसके अंदर? मीटर में। तो ये इक्वल हो जाएगा 4 × 10³⁻³। सेंटीमीटर तो डिवाइड कर लें, इसको तब्दील कर लें मीटर के अंदर, तो ये हो जाएगा 0.8 मीटर। तो वेलोसिटी हो जाएगी हमारे पास 4 × 10³⁻³ और फ्रीक्वेंसी है 0.8। तो हमारे पास वेलोसिटी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर लें इनको आपस में, 0.4 × 10³⁻³ मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 0.8। 0.2 मीटर पर सेकंड। हमने वेलोसिटी फाइंड किया क्योंकि टाइम पीरियड टाइम के लिए सॉरी हमें वेलोसिटी चाहिए। अब हम पुट कर लेते हैं, डिस्टेंस हमारे पास है 0.8 और वेलोसिटी है 0.2। 0.8 / 0.2 तो 4 सेकंड। तो इसका आंसर होगा हमारे पास 4 सेकंड। लेंथ ऑफ रिपल टैंक दी हुई थी 80 सेंटीमीटर, चेंज किया मीटर में 0.8, फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज, वेवलेंथ 40 मिलीमीटर, मिलीमीटर तो 10³⁻³ हो जाएगी। टाइम दिया हुआ है हमें, जो हमने फाइंड करना टाइम वेलोसिटी बाय डिस्प्लेसमेंट ओवर या डिस्टेंस ओवर टाइम, क्योंकि हमने टाइम फाइंड करना था, डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। हमारे पास वेलोसिटी नहीं थी तो वेलोसिटी के लिए हमने वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रिक्वेंसी कर दी 0.2। तो टाइम बराबर है लेंथ डिवाइडेड बाय यानी डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी, तो टाइम हो गया 4 सेकंड। ये हमारे पास था न्यूमेरिकल नंबर 9। अब हमारे पास जी लास्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 10 जो है इसका चैप्टर का आखिरी न्यूमेरिकल है 10.10। गिवन डाटा, क्या है जी? व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव ट्रांसमिटेड बाय एफएम स्टेशन ऑफ 90 मेगाहर्ट्ज, 1 मेगाहर्ट्ज इज इक्वल 10⁶ एंड स्पीड ऑफ रेडियो वेव इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है? वेवलेंथ हमने फाइंड करनी है, हमें स्पीड फ्रीक्वेंसी दी गई है और स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स दी गई है, ये स्पीड ऑफ लाइट भी इसमें इसी को कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या है हमें जी? वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 10⁸ है, और साथ दिया हुआ हमें फ्रीक्वेंसी है जी
90 MHz वेवलेंथ फाइंड करें। तो फार्मूला हमारे पास सिंपल है, वेलोसिटी बराबर है वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रिक्वेंसी। हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू वेवलेंथ। वेलोसिटी क्या है जी, 3 × 10⁻⁸ और फ्रिक्वेंसी क्या है, मेगा हर्ट्ज में दी हुई है, पहले इसको चेंज कर लेंगे, 90 × 10⁶ हर्ट्ज। मेगा होता है 10⁶, तो 90 × 10⁶ इज इक्वल टू वेवलेंथ। 3 × 90 × 10⁸-6, तो यहाँ पे 10⁸ नीचे भी 10⁶ ऊपर जाके माइनस हो गए, तो इसको डिवाइड कर लें, 3 × 90 × 10⁻²। ये हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है, तो वेवलेंथ आ जाएगी 3 × 10⁻²⁹, तो ये आ जाएगी 3.33 मीटर। तो इसकी वेवलेंथ होगी 3.33। बिल्कुल सिंपल था, न्यूमेरिकल में वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, सिंपल वेवलेंथ फाइंड करनी थी। वेलोसिटी बराबर है वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी, फार्मूला कर लेते हैं शिफ्ट, वेवलेंथ है वेलोसिटी ओवर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का बेस यूनिट हमने मेगा को चेंज कर लिया 10⁶ हर्ट्ज में और डिवाइड किया, तो 3.33 वेवलेंथ है, और यही हमारे 10th चैप्टर के न्यूमेरिकल हैं।